एक मिनट सर, आप घर पे हैं क्या? फ्रेंड है अपन, बाहर तो आइए सर। गोल्डन राज नाम है। नमस्कार सर। घर के बाहर ही रहो। बिना जाने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप तो नाराज हो गए। यहाँ तुम भलाई के काम के लिए तो नहीं आए होगे। बैठिए तो सही, जानता हूँ आपको बहुत टेंशन है। आप लोग अपन को खत्म कर देना चाहते हैं, पर सुना है कि अगर आप चाहें तो उस हिट लिस्ट से मेरा नाम हटा सकते हैं। 1 करोड़ अभी साथ लाया हूँ, 1 करोड़ कल दे दूंगा। अपन को यकीन है कि आप ये बात समझ जाएंगे। और बेटे की शादी की बात तो भूल ही गया। काट देना। अगर अरेस्ट हो गया तो बेटी की शादी में बहुत बेइज्जती होगी। लड़की का बाप हूं, थोड़ा रहम कीजिए। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, दूसरे ज्यादा जरूरी हैं। तू तो वैसे ही फंस गया फालतू में। फालतू में? तू गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गया। घुन हूं मैं? घुन मत समझो सत्यदेव। इसी बीच पांडियन को तुमने मालपुरा में मारा था। शहर के सारे कॉलेज स्कूल के बाहर तुम्हारे ही आदमी ड्रग्स बेच रहे हैं। साले कमीने, सच्चाई जानता हूं मैं। ठीक, पैसे लेकर आया हूं, कल और दूंगा, जितना चाहो उतना। इसे गलत मत समझना, जिंदगी में जितना भी जोखिम उठा लो या जितनी भी मेहनत कर लो, तुम उतना नहीं कमा सकते जितना मेरे गैंग का एक छोटा सा घोरका कमा लेता है। पैसे के बिना जिंदगी बेकार है, जानता हूं मैं। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े कहो, मैं दूंगा, बहुत पैसा है। हिटलिस्ट से नाम हटवा दो, बस इतना ही। मैंने सुना है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़े की भी नहीं है। किसने कहा ये? एक मरा हुआ घोड़ा भी पूरे 1.25 लाख का होता है, सुना नहीं क्या? तुम मुझे फंसाने आए हो क्या? तुम दोनों में से माइक किसने छुपा रखा है, या कैमरा किधर रखा है, या अपने पीछे न्यूज चैनल को साथ लेकर आए हो? ए, चीची, क्या बोल रहा है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो राज। चलो कपड़े उतारो, प्रूव करो कि ऐसा नहीं है। पैसा तो मैं कहीं और ले लूंगा। समझ गया, चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें नंगा होते हुए देखकर मुझे शर्म आएगी। मेरा कांस्टेबल आएगा, उसके चेक करने के बाद फिर मिलूंगा। सेल्वम। जी सर। आज तुम लेट आए थे ना, जाओ सजा भुगतो। सर आप अपनी शर्ट पैंट उतार दीजिए, और तू भी। कई बनियान में तो कैमरा माइक नहीं छुपाया। हाँ सर, माइक कैमरा कुछ भी नहीं है। ए, क्या कर रहे हो सत्यदेव? रुको, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हा? मेरे ही घर में घुसकर मुझे खरीदने आए हो, यही हो तुम। यू आर नथिंग सत्या, एंड आई एम अ पुलिस ऑफिसर, DCP सत्यदेव। तेरी तरह नहीं हूं जो गुंडागर्दी के बल पर कानून का खुलेआम बलात्कार करता है। गवर्नमेंट मुझे भरपूर तनख्वाह देती है, बंगला गाड़ी सब कुछ है मेरे पास। वहां खड़ा वो कांस्टेबल अपने काम की वजह से प्रमोशन पाता है, वफादार है वो मेरा। पर तेरे गुर्गों को तेरे मरने के बाद मिलता है प्रमोशन, वो सब तेरे मरने का इंतजार करते हैं। hey, मेरा बाप बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन उसके मरने के बाद आज मैं हूँ DCP। तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे, वो तेरे मुंह पर थूकेंगे। साले सेल्वम। जी सर। अगर ये यहाँ 1 मिनट भी रुका तो इसे काट डालूंगा। Now get out! चल साले दफा हो जा। साहब के बिल में हाथ डाला है। निकल। कल 12 बजे मैं खुद आऊंगा तुझे अरेस्ट करने। चल जा यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अरे निकलो। चलो चलो चलो। पैसा कम नहीं था? तेरे पास तो ऐसे बहुत आते होंगे। मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूं डैड, आप ही ने कहा था ना। और मुसीबत यह है कि आप हमेशा साथ रहते हैं, तो घूस कब लूं? तो मुसीबत मैं हूं।
साल बाद वो मुझे फिर मिले। लेकिन मैं कह रहा था जब फ्लैट तुमने खरीदा है तो मुरली के नाम पे रजिस्ट्री क्यों है, जबकि इंस्टॉलमेंट तुम ही भर रही हो। पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना, इस शादी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आई एम हैप्पी मनोज, ये तलाक बस बिना झगड़े के हो जाए इतना ही काफी है। लेकिन मैं तुम्हारे एलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था। चलो कोई नहीं। हेलो सर। ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर असल जिंदगी में एक ऑटो वाला 2 साल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। वाओ। रियली? आई एम जोकिंग। अगले ही दिन हॉस्पिटल के टीवी पर मैंने आपको न्यूज में यूनिफॉर्म में देखा था। अच्छा, इसका नाम क्या है? ईशा। हाय बेबी। उस रात आप ही की वजह से इसकी जान बच पाई है, वरना पता नहीं क्या होता। Oh, come on. जाओगी बेटा? जाओ। फोन नंबर निकाल सकते हो? ये काम थोड़ा पर्सनल है। श्योर। अपराधी का नाम, जगह, नेटवर्क, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, सब निकाल लूंगा। हेमानिका। हेमा मालिनी? सुना, हेमानिका कौन है? हेमानिका वो डांसर है। हेमानिका भरतनाट्यम डांसर, वो तो बहुत फेमस है, वही ना? हाँ वही है। आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? क्या आप उससे भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बगल के बंगले का एक बच्चा डांस सीखना चाहता है और उसे उन्हीं से सीखना है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मेरे घर के बगल में भी एक बच्ची है, वो भी उन्हीं से डांस सीखती है, मैंने कई बार उसे वहाँ पर ड्रॉप किया है। पका एक काम करो सत्या, अपने उस पड़ोसी का नंबर मुझे दे दो, वो मैं अपने पड़ोसी को दे दूंगा, दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा, तुम बस नंबर पता लगा लो। अपराधी ने जाल बिछा कर पुलिस को फंसा लिया है। तुमने कुछ कहा? 5 मिनट के अंदर नंबर आपके पास होगा। थैंक्स। हाय सत्या, ये है हेमानिका का नंबर। हाय, मैं सत्यदेव, ये मेरा नंबर है, सोचा आपको हेलो कह लूं। हेलो, गुड टू हियर फ्रॉम यू, वी विल बी इन टच, हेमानिका। हाय हेमानिका, मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? जब भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। लेके जाओ इसको, लॉकअप में डालो। आज तो खोल कर देगा तेरे को मैं, ले चलो साले को। अच्छी लग रही हैं आप। धीरे धीरे हम तकरीबन रोज ही मिलने लगे। एक दिन वो बच्ची के साथ मेरे घर आई। हाय, प्लीज कम, ये है मेरा घर, बैठो ना। हमारी दोस्ती अब नजदीकियों में बदलने लगी थी। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे और ज्यादातर ईशा हमारे साथ होती थी। इसी तरह प्यार की खुशबू के साथ 4 साल गुजर गए। उस दौरान ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली गैंग अपना बिजनेस बहुत तेजी से फैला रही थी, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। काएगा, भूख लगी है? हाँ लगी है। मेरे साथ चल, अच्छा खाना खिलाऊंगी। ये लवर ये। नाम क्या बताया था? सुंदरी। और खाएगी? अजीबा टेंशन नकोगी। एक काम करते हैं, इसका ब्लड सैंपल लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। 1 करोड़ लगेंगे?
आपके पति के लिए लिवर डोनर मिल गया है। उस डोनर का कुछ अता पता है? डोनर का नाम तो नहीं बता सकती, पर तुम ही टेंशन नको घेऊ, सब लीगल है। जो डोनर मिला है ना, उसका लीवर आपके पति के लीवर से मैच करता है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट के लिया है कि बाहर में उसके बारे में कुछ न बताऊं। समय बहुत कम है मैडम, जल्दी से फैसला कीजिए। चलो इसे ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ब्लड प्रेशर चेक कर लो, जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन खत्म करना है। विक्टर ने एक और क्लाइंट भेजा है, उसका भी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। मेल बांध के पैसे खाएंगे, माली माल कमाएंगे। जिस छोटे मोटे गुंडे को सत्या ने अच्छी राह पर चलने के लिए जेल से रिहा कर दिया था, वो आज ऑर्गन्स रैकेट का माफिया बन गया, और वो है विक्टर मनोहर। इस तरफ सत्या और हेमानी का अब रोज मिलने लगे, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, साथ ही नजदीकियां भी बढ़ी। ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, ये ना सत्या को पता चला और ना हेमानिका को। इतने स्मार्ट दिखोगे, मुझे शक होने लगेगा, कोई गलत इरादा तो नहीं है ना? तुमसे शादी का इरादा है, विल यू मैरी मी? लोगों की बातों से परेशान हो क्या? लुक, आई लव यू, तुम भी चाहती हो तो शादी कर लेते हैं ना, डर कैसा? ईशा, ईशा तुम किसी और की बेटी है, वो यही डर है कि कल अगर हमारे बच्चे हुए तो तुम मेरा दिल दुखा रही हो, आइंदा से तुम ऐसा नहीं सोचोगी। सत्या, I'm sorry, मेरा मतलब ईशा सिर्फ तुम्हारी है, तुम सिर्फ मेरी हो, और अब से ईशा हम दोनों की है, वो तो बहुत पहले से मेरी बेटी है। जानती हो, जब पहली बार कोर्ट में मैंने उसे गोद में लिया था, तभी से सोच रहा हूं। सिक्स्थ से वो अच्छे स्कूल में जाएगी, उसके लिए हमें रोज रोज अप्लाई करना होगा, लाइन लगानी होगी, लगाएंगे। उसके बाद अगर स्कूलिंग खत्म होने पर उसने बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहा तो पहले हम उसे मना करेंगे, फिर भी उसने जिद की तो उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे, वो भी आज से, और भेजेंगे पढ़ने के लिए। मेरी सैलरी तो जानती हो ना तुम, और मैं घूस नहीं लेता, कभी लूंगा भी नहीं। ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत करना, और ये मेरा वादा है कि ईशा के अलावा हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा, चाहे मेडिकल शॉप के कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़े। वेट नहीं किया उसने, लेकिन तुमने तो इसीलिए तो कह रहा हूं, हां कह दो ना। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाकर देखता कोई बुजुर्ग है तो। ईशा माइलम, जरा अपनी माँ को समझाओ कि मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए, बोलो।